हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आरएनडी डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं यूट्यूब हैंडल्स के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना, लास्ट एक दो दिन में आप सभी लोगों को ईमेल आया होगा यूट्यूब के साइट से कि आपका यूट्यूब चैनल का जो हैंडल से आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक न्यू फीचर है यूट्यूब की तरफ से, यानी आपका यूट्यूब चैनल का एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं न्यू हैंडल्स बना के। अगर मान लीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल का पर्सनल यूआरएल्स आप बनाए हैं, तो वो पर्सनल यूआरएल एक यूनिक यूआरएल हो जाता है। सिमिलरली, यूट्यूब का जो ये न्यू फीचर्स है, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है यूनिक हैंडल्स। जैसे मान लीजिए कि हम इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं, हम बात करते हैं कि आपका इंस्टा हैंडल बताइए, तो सिमिलरली यूट्यूब का ये फीचर्स आया है। आप अभी आपका यूट्यूब का हैंडल्स आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, वो @ प्लस उसके आगे आप जो हैंडल्स आप सिलेक्ट करेंगे वो आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये जो हैंडल्स है यूनिक होता है, आपको इमीडिएटली आपका न्यू हैंडल्स जो है क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्रिएट नहीं किया, किसी और ने आपके नाम के या फिर आपके नाम के रिलेटेड अगर हैंडल क्रिएट कर लिया, तो आपको वो यूनिक नहीं मिलेगा या फिर आपको आपका मन पसंद वाले हैंडल्स जो है नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपको आपका यूट्यूब चैनल का हैंडल कैसे क्रिएट करना है या फिर कैसे चेंज करना है। मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप में, दोनों में तरीका सेम है। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और इमीडिएटली आपका हैंडल्स जो है क्रिएट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप सभी क्रिएटर्स को इस टाइप का एक ईमेल आया होगा यूट्यूब के साइट से। आप देख सकते हैं इस टाइप का एक ईमेल आया होगा। सो ये ईमेल में आपको वो इन्फॉर्म किया है कि आप आपका हैंडल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का आपको ईमेल आया होगा। तो आप सभी लोग आपका ईमेल एक बार चेक कर लीजिए। सो ये ईमेल्स में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीचे चूज ए हैंडल। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है आपका हैंडल्स आप चूज कर सकते हैं या फिर आप आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। अभी आपका ये जो तरीका है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या पीसी से भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप आपका जीमेल आईडी जो है वो ओपन करके, जिसमें आपने मेल रिसीव किया होगा, वहां से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखिए, ये जो है आपका वाईटी स्टूडियो है। अभी मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप में वाईटी स्टूडियो ओपन किए हैं या फिर आपका मोबाइल में वाईटी स्टूडियो ओपन किए हैं, दोनों केस में आपका वाईटी स्टूडियो के टॉप में इस टाइप का एक मैसेज आया होगा। देखिए इस टाइप का एक मैसेज आया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यूनिक आईडी जो है या फिर आपका हैंडल जो है आप क्रिएट करिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चूज नाउ करके, मेरे माउस यहाँ पे चूज नाउ लिखा हुआ है। या फिर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए लर्न मोर लिखा हुआ है, हैंडल्स के बारे में लिखा हुआ है, न्यूज और लर्न मोर लिखा हुआ है। तो आप तीनों तरीका, कोई भी तरीका, आप यहाँ पे चूज ए हैंडल पे क्रिएट करिए, क्लिक करिए, या फिर आप यहाँ पे चूज नाउ पे क्लिक करिए, या फिर ये जो यहाँ पे हैंडल्स लिखा हुआ है वहां पे लर्न मोर पे क्लिक करिए। तीनों में सेम चीज होने वाला है। तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है उसमें चूज नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही चूज नाउ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये मेरा चैनल का नाम है आरएनडी डिजिटल। सो अभी आरएनडी डिजिटल के नाम पे यहाँ पे यूट्यूब ने ये लिखा है, हाय देयर, योर हैंडल इज रिजर्व, योर हैंडल इज @RNDDigital7। यानी यूट्यूब जो है मेरे लिए ये रिजर्व करके रखा है और अभी मुझे ये क्रिएट करके दे रहा है अपने हिसाब से कि RNDDigital7। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है RNDDigital और ये RNDDigital के सामने 7 ऐड कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब ने इस टाइप के URL भी अपने हिसाब से क्रिएट कर दिया। अभी मान के चलिए आप भी जो आप चेक करेंगे, आपके लिए ऑटोमेटिक यूट्यूब ने इस टाइप के क्रिएट किया होगा। अभी हो सकता है आपको पसंद हो, तो अगर आपको पसंद होगा तो आप उसको आप सेव कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि वो आपको पसंद नहीं है, अभी मान लीजिए कि ये जो है ये मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे ये आरएनडी जो है सारे कैपिटल में लिखा हुआ है, डिजिटल में डी कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 ऐड हुआ है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चेंज करना है। अब यहाँ पे चेंज हैंडल पे मैं करूंगा क्लिक। जैसे ही चेंज हैंडल पे क्लिक करूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं हैंडल पे @RNDDigital7 लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पसंद है, मैं मेरे हिसाब से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे RND सारे स्मॉल में, यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, आप देखिए यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया RNDDigital, RNDDigital, और ये सारे मैंने स्मॉल में लिया। अभी इसको मैं कंफर्म सिलेक्शन करता हूं। जैसे ही मैंने कंफर्म सिलेक्शन किया, आप यहां देख सकते हैं
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा क्रिएट हो गया @RND Digital, ये मेरा क्रिएट हो गया मेरा जो यूनिक हैंडल से, इसको हम गोटेड कर देते हैं। और उसके बाद आप अभी देखेंगे, ये देखिए अभी ये मेरा जो है YouTube चैनल का जो है मेरा हैंडल जो है क्रिएट हो गया। अभी इसका लिंक भी YouTube ने दे दिया, देखिए लिंक क्रिएट करके दे दिया। अब ये लिंक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मेरे चैनल पे लेके जाएगा। सीधा आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे रिडायरेक्ट किया, और यही है मेरा यूनिक आइडेंटिटी आप देख सकते हैं। तो ये जो URL आपका जनरेट हो गया, या फिर ये @RND Digital जो जनरेट हो गया, यही आपका यूनिक आइडेंटिटी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कोई टेक्निकल नॉलेज का जरूरत ही नहीं है, इसको आप इमीडिएटली कर लीजिए। अभी आप यहाँ जैसे देख सकते हैं मैंने ये जो क्रिएट कर लिया RND Digital, अभी इस नाम पे दूसरा कोई क्रिएट नहीं कर सकता ये हैंडल, क्योंकि ये मेरा यूनिक हैंडल हो गया। अभी मान लीजिए कि मैं इसको लेट करता हूँ और किसी और मेरे नाम पे अगर वो हैंडल क्रिएट कर लेता है, तो ऐसे केस पे मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर 1, 2, 3, 4, या फिर मुझे इसको चेंज करके कुछ थोड़ा अड़तला करके मुझे ये मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इमीडिएटली अभी आज अभी इसी वक्त आप कर लीजिए, तभी जाके आपको यूनिक आपका जो हैंडल है YouTube का वो मिलेगा, और ये यूनिक हैंडल जो है आपका आइडेंटिटी बनने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो।